हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है या इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनती हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हमने आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए और इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। उसी के बाद इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हो या क्या हो कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कहलाएं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इलेक्शंस जो हैं वो कई तरह से हो सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनमें भी इलेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस अदर इलेक्शंस से कैसे डिफर हैं या कैसे अलग हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने इसमें आपको थोड़ा बहुत बताया था और बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे कि कैसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं, उन्हें नॉन डेमोक्रेटिक क्यों कहा जाता है, और कैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं और उनको डेमोक्रेटिक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे कहेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं या अगर ऐसा होता है तो हम वहाँ पर होने वाले इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कहेंगे, और अगर ये कंडीशंस नहीं हैं तो हम उसको नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडीशंस, सम कंडीशंस आर देयर। पहला है एबिलिटी टू चूज, इसका मतलब ये हुआ कि हर सिटीजन को जो है वो क्या होना चाहिए, राइट टू वोट शुड बी गिवन एवरी सिटीजन। ठीक है, और दैट वोट मस्ट बी काउंटेड वन। ठीक है, यानी कि एक आदमी को एक वोट, वोट राइट टू वोट दिया जाए और वो वन वोट जो है वो दे सकता है। ठीक, और उसके वोट की जो वैल्यू है वो वन हो। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कि वोट की वैल्यूज जो हैं वो डिफर होती हैं, और उन का एग्जांपल हमने आपको पिछले लेसन के वीडियो लेक्चर में दिया था, और अगर इसको आपको रिकॉल करना है तो इसको आप पिछले लेसन के जो वीडियोस हैं उनको आप देखें। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। ठीक, यानी पार्टीज और कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री होने चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में एनीबडी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, देर इज़ नो बाउंडेशन। अगर उन वो क्वालिफिकेशंस उनकी हैं और वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वोटर्स की जो चॉइस है वो रियल होनी चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं, इलेक्शन जो है वो फ्री होना चाहिए, किसी तरह का कोई प्रेशर फियर नहीं होना चाहिए, और वोटर्स के पास चॉइस होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चाइना है, चाइना में भी रेगुलर इलेक्शंस होते हैं लेकिन वहाँ पर चॉइस नहीं है। ठीक, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब चॉइस कैसे नहीं है,
देखिए चाइना में जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सारे कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको कि अदर पार्टीज होंगी लेकिन उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह हो कि जितने कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी से होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी वोट कंटेस्टेंट को आप अगर वोट देते हो तो वह कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, इसका मतलब चॉइस आपके पास नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपके पास एनसीईआरटी की दो बुक्स सेम रख दूं, जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स रख दूं एनसीईआरटी की, और ये कहूँ कि इसमें भाई आप अपना सेलेक्ट करो कोई सी भी, तो आप चाहें पहली बुक सेलेक्ट करो या सेकंड बुक करो, सेम बुक हैं, तो आपकी चॉइस नहीं हुई। वो चॉइस कहाँ हुई? चॉइस जो है वो डिफरेंट थिंग्स में होती है। ठीक है। जैसे मान लो कोई पेन है, डिफरेंट कंपनी के अगर पेन है तो उसमें से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो डिफरेंट है। अगर सेम कंपनी के अगर पेन है तो आपको उसमें चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है। आप कोई सा पेन सेलेक्ट कर लो, पेन सेम है, सेम कंपनी है, तो इसलिए चॉइस होनी चाहिए वोटर्स के लिए। ये कंडीशन है इसकी, डेमोक्रेसी की। ठीक है। तीसरी चीज़, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि रेगुलर इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड इन डेमोक्रेसी। एवरी 5 ईयर्स द इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि अभी इलेक्शन हो गए फिर अपने कोई इलेक्शंस का पता ही नहीं है, 5 साल के बाद नहीं हुए इलेक्शन, 7 साल बाद हो गए, 10 साल बाद हो गए, नहीं हुए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी वो होने वाले इलेक्शन जो हैं वो डेमोक्रेटिक होंगे। ठीक है। और कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिन लोगों को या जिन कैंडिडेट को लोग सपोर्ट करते हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं। अब देखो यहाँ पर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में डिफरेंस समझ लो क्या होता है। नॉमिनेटेड का मतलब ये होता है कि हमने कहा कि भाई हाँ ये कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेटेड हो गया। ये तो होता है ना क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं कि हाँ भाई ये जो है इस क्लास का मॉनिटर है। वहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई वोट नहीं है। क्लास टीचर ने एक नाम बता दिया कि दिस बॉय विल बी द मॉनिटर ऑफ योर क्लास फ्रॉम टुडे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते होंगे या बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो उसको लाइक नहीं करते होंगे, लेकिन वो नॉमिनेटेड है तो ये डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो तो उसके लिए जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या लड़ रहे हैं उन्हें वोटर्स वोट के थ्रू जो है वो इलेक्ट करें। ठीक है। या विनिंग कैंडिडेट मस्ट बी गेट इलेक्टेड थ्रू द वोट्स ऑफ द पीपल। ठीक है। और देखो डेमोक्रेसी में लोग जिसे पसंद करेंगे उसे वोट देंगे और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे उन को अपना वोट देंगे और उन्हें अदर कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिल जाएगा। ठीक है। तो कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। आई होप
कि आप ये समझ गए होंगे। और लास्ट जो कंडीशन है वो है इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर्स। इलेक्शंस फ्री होने चाहिए और फेयर मैनर्स में होने चाहिए, सो दैट द पीपल कैन चूज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर विश। यानी कि अगर इलेक्शन फ्री और फेयर हैं तो लोग जिन्हें इलेक्ट करेंगे, जो जिन कैंडिडेट को वो जिताएंगे, वो उनके विश के अकॉर्डिंग होंगे या उनका सपोर्ट उन कैंडिडेट्स को होगा जो कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत गए हैं। ठीक है। अब अगर आप ये कंडीशंस को देखें तो ये कंडीशंस इजी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक। लेकिन आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि बहुत से कंट्रीज़ में इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता। जैसे एक एग्जांपल आपके नेबरिंग कंट्रीज़ का है कि जैसे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर कार्य नहीं कर सकती। और आपने पढ़ा होगा कि परवेज मुशर्रफ ने एक ऑर्डर इशू किया था और वो ये किया था कि जो जनरल होगा, आर्मी का जो जनरल होगा वो हेड होगा, हेड ऑफ द कंट्री होगा, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो उसके सपोर्ट के बिना या उसके अप्रूवल के बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगी। ठीक है। तो इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन जब उसे पावर नहीं है तो वह नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी या वो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक कहलाएगा। ठीक है। अब अपने कंट्री में देखिए, अब हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो डिसीजन जो है वो अपने डिसीजन खुद लेती है। ठीक है। अपने डिसीजंस को वो खुद लेती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और एक प्रोसीजर होता है उसके थ्रू जो है वो डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर किसी पर्सन की जो है डिज़ायर नहीं काम करती। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कंट्रीज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशन है एक तो चूज़ करने की एबिलिटी होनी चाहिए वोटर्स को, यानी कि राइट टू वोट दिया जाना चाहिए, और वोटर्स के सामने चूज़ करने के लिए कैंडिडेट्स होने चाहिए, ठीक, ताकि फ्रीली इलेक्शंस हो सकें और वोटर्स के चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो कंटेस्टेंट्स जो है इलेक्ट हो सकें। ठीक है। वोटर्स को ये चॉइस एक रेगुलर इंटरवल से मिलनी चाहिए, जैसे हर 5 साल बाद वोटर्स को चॉइस मिलनी चाहिए, या वोटर्स को वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने का ऑफर मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। वही कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़कर जीतेंगे जिन्हें कि लोगों ने प्रीफर किया है, या लोगों ने जिसे सपोर्ट किया है, या जो वोटर्स के द्वारा लाइक किया गया है। और इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर्स में होने चाहिए, तब ऐसे इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अब देखते होंगे इलेक्शन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं, और उस टिकट पर जो है वो कैंडिडेट्स आपस में इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। ठीक है। और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है वो कंपटीशन होता है। ठीक। बहुत सारे कैंडिडेट जब होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है, और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो जो है सारा इलेक्शन जो है वो यूजलेस हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन का जो एम है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए
कंपटीशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी कंपटीशन एमंग द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इट इज़ वेरी गुड एंड इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पर इस पॉलिटिकल कंपटीशन में कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियाँ हैं। ठीक, क्या हैं वो देखिए। बहुत सारे जो लोग हैं या जो कंपटीशन है, इससे हमारी सोसाइटी जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और सोसाइटी इज़ ब्रोकन इनटू फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म माने कई सेक्शंस हो जाते हैं, कई पार्ट में सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितने कैंडिडेट्स हैं सबके सपोर्टर्स होंगे सोसाइटी में, और उतने ही पार्ट्स में वो सोसाइटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पार्टी जो है वो दूसरे जो पार्टीज हैं उन पर एलिगेशंस लगाती है और तरह तरह की जो है डर्टी ट्रिक्स को अडॉप्ट करती है। और ये ऐसा क्यों करती है? इलेक्शंस जीतने के लिए, ताकि वो इलेक्शंस में जीत जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जो इलेक्शन जीतने की जो एक एम होता है, उससे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को जो है नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि मान लो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई और नेक्स्ट इलेक्शन में जो वोटर्स हैं उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया या हटा दिया। ठीक है ना, तो वो जो पॉलिसीज हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं। ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। ठीक है, क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि वो ईमानदार होते हैं और डर्टी ट्रिक्स को वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वो इस डर से पॉलिटिक्स में नहीं आते। ठीक है, और कहना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जैसे और लोग हैं, वो अपने पॉलिटिकल करियर्स में आगे बढ़ने के लिए या पावर में रहने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं, हर ट्रिक को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है? होता ये है कि वे जो पार्टी पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, इन सब को देखते हुए जो अच्छे लोग हैं, जो लोगों को की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना चाहिए, या उनके जो आइडियाज़ हैं वो मैच नहीं करते, और वो ये नहीं समझ पाते कि लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स का करैक्टर क्या है। होना क्या चाहिए? जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो जनता की सेवा करते हैं उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, और जो पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं करते उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब इलेक्टोरल कंपटीशन होगा। ठीक है, अब जब रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगी, और अवेयर होने की वजह से वो जो हैं बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगी।
ठीक है, और अच्छे-अच्छे काम करने का पीछे उनका एम ये होगा कि लोग उनसे सेटिस्फाई होंगे, लोग उनसे जो है वो खुश होंगे, और वो इस होप से कि नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन में जो है उनकी विक्ट्री के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब इसकी एक और कंडीशन है कि अगर लोग जो हैं काम नहीं कर पाए, या उन्होंने जो है वोटर्स का जो सपोर्ट है वो नहीं ले पाए, या वोटर्स आर नॉट सेटिस्फाई विद देयर वर्क, देन इट्स रिजल्ट विल बी दैट दे कैन नॉट विन द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, अब होता क्या है उसमें, होता ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो कंटिन्यू करने की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन यही है कि यू मस्ट गेट सेटिस्फाई द वोटर्स। इफ द वोटर्स आर सेटिस्फाई, वोटर्स आर हैप्पी, दे विल गिव यू द सपोर्ट इन नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट क्या है, ये चाहती है कि वह जो पब्लिक है उसका सपोर्ट जो है वो ले सके। ठीक है, यानी कि उसको पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक डिज़ायर होती है कि वह पावर में रहे, ठीक है, और वह जनता की सेवा करे, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की डिज़ायर होती है। और पॉलिटिकल पार्टी ये करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। अब जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो अपने प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है, यानी कि वो चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो, तो वो क्या करेगा, कस्टमर्स के लिए अच्छी चीज़ें देगा, इस पर ध्यान देगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो कस्टमर जो है किसी दूसरी शॉप पर चले जाएंगे। ठीक, तो यही चीज़ जो है पॉलिटिक्स में लागू होती है कि पॉलिटिकल कंडीशंस में जो है डिविजन्स होते हैं, कुछ खराबियां हैं, लेकिन फाइनली क्या है वो हेल्पफुल होती हैं, किसमें, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को जनता की सेवा करने के लिए वो जो है उन्हें करना पड़ता है, या उनको अपना एक एम बनाना पड़ता है कि वे जनता की सेवा करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पब्लिक की सर्विस नहीं करती या वेल लोगों के भलाई का काम नहीं करती हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाएगी, और उनके जो पावर में रहने का जो सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ये टॉपिक जो है एक बार हम रिकॉल कर लें, ठीक है, कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक किस तरह से होते हैं। ठीक है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हमने एग्जांपल दिए थे आपको डेमोक्रेटिक कंट्री के, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के। ठीक है, और इलेक्शन जो है उसी की बेस पर, यानी कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं उसके बेस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक। उसमें हमने आपको 5 कंडीशंस बताई थी कि एक तो थी एबिलिटी टू चूज, यानी कि राइट टू वोट मस्ट बी गिवन टू द सिटीजन्स। दूसरा बताया था कि देयर मस्ट बी चॉइस फॉर द वोटर्स। ठीक है, तीसरा बताया था चॉइस मस्ट बी मेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। फोर्थ नंबर मैंने बताया था कि प्रीफर्ड कैंडिडेट मस्ट बी इलेक्टेड, और लास्ट बताया था इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड फ्री एंड फेयर। ठीक, अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि मस्ट बी देयर पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी
तो पॉलिटिकल कंपटीशन देखो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक अच्छा हिस्सा है, एक ख़राब हिस्सा है। पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके लिए मॉरलिटी की बहुत ज़रूरत है। आपका मॉरल क्या है, आपका जो एम है वो आप उसको किस तरह से पाना चाहते हैं, उस आपका जो एम है उसको कैसे वो आप पूरा करोगे, कैसे उसको अडॉप्ट करोगे, कैसे उसे अचीव करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं, एक तो सोसाइटी सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है, दूसरा पार्टी जो है वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाती हैं, डर्टी ट्रिक्स को अडॉप्ट करती हैं, तीसरी चीज़ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा सकती या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्ग टर्म तक या कंटिन्यू होने का जो है कोई गारंटी नहीं रहती है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो अच्छे और योग्य लोग होते हैं वो जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें इस तरह की बातें देखकर जो है उनका मन पॉलिटिक्स में आने का नहीं करता, ठीक है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, इसकी अच्छाई क्या है कि लीडर जो हैं वो मेहनत करेंगे पावर में रहने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। दूसरी चीज़ होता क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं, ठीक, और जो अच्छा काम नहीं करते उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट किस फॉर्म में, कि वोटर्स मस्ट रिजेक्ट, वोटर मस्ट नॉट गिव देयर सपोर्ट, वोटर मस्ट नॉट कास्ट देयर वोट इन देयर फेवर दोज कंटेस्टेंट हु डू नॉट वर्क ए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और द कंटेस्टेंट द कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द पीपल दे मस्ट द वोटर मस्ट गेट सपोर्ट द वोटर्स मस्ट सपोर्ट दैम इन द इलेक्शन। ओके, दैट्स ओके फॉर टुडे।